इंशाल्लाह अगला सवाल मर्दों को जाने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरोज खान है। मेरा सवाल है, उसके दो पार्ट है, सेम क्वेश्चन है कि जो लड़के वाले ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो कि बीए डीएड हो या डॉक्टर हो या वो जॉब करती हो, तो क्या ये भी एक जहेज की किस्म है कि उसके माँ बाप उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके उसे पढ़ाते हैं और जॉब लगाते हैं। सेकंड पार्ट का एक सवाल था कि बच्चियों को जो तालीम दी जाती है, क्या ये भी जहेज की किस्म है कि वो ताकि कमाए। देखिए, असल ये है कि ये सामने वाले की नीयत पर है सारी चीज़ें। बच्चियों को तालीम देना ये एक अलग मसला है, मतलब ये एक अलग चीज़ है और देना चाहिए ताकि अपने बच्चों वगैरह को पढ़ा सके। और ख़ास तौर से जो आपने नाम लिया कि टीचर हो डॉक्टर हो, इसकी तो उम्मत को खुद ज़रूरत है, इसकी तो उम्मत को खुद ज़रूरत है कि हमारी औरतें जब बीमार होती है तो हमारी और मुसलमान औरतों के पास जाए या औरतों के पास जाए। तो तालीम जब लड़की को दी जाएंगी तो वो फ़ायदा होंगे, उससे मुस्लिम भी फ़ायदा उठाएंगे, गैर मुस्लिम भी फ़ायदा उठाएंगे, ये तो ज़रूरी चीज़ है। अब रहा मसला जब निकाह होता है तो वो उस आदमी की नीयत में वो क्या सोच के शादी कर रहा है कि अगर मैं एक टीचर से या डॉक्टर से या ऐसी लड़की शादी करता हूँ जिसकी अर्निंग अच्छी है तो फिर अपने को जहेज नहीं लेना पड़ेगा, वन टाइम लेने के बदले आप लाइफ टाइम लेते रहेंगे, तो ये उसकी नीयत का फसाद है। लेकिन इस आदमी के पढ़ाने के और उसमें इंशाल्लाह कोई कबाहत कोई बुराई नहीं होगी, मसला वो उसकी नीयत पर जिसे शादी हो रही है। अब रहा सवाल का